नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूँ। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के रूप। मुद्रा के चार रूप हैं। पहला आदेश मुद्रा, जिसे फिएट मनी कहते हैं। वह मुद्रा जो केवल सरकार के आदेश से चलती है उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। न्यास मुद्रा, फिड्यूसरी मनी। वह मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर चलती है उसे हम न्यास मुद्रा कहते हैं। ये विश्वास से चलती है। नंबर तीन, पूर्णकाय मुद्रा, फुल बॉडीड मनी। वह मुद्रा जिसमें अंकित मूल्य और मौद्रिक मूल्य बराबर होता है उसे पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में जो सोने के सिक्के चलते थे, उन सोने का जितने का सिक्का है उतने का ही उसका सोने का वजन होता था। अर्थात उसे सिक्के के रूप में चलाओ अथवा सोने के रूप में, वो वैल्यू उसकी समान होती थी। तो ऐसी मनी को फुल बॉडीड मनी कहते हैं। साख मुद्रा या क्रेडिट मनी जो वर्तमान में प्रचलित है, इसमें मौद्रिक मूल्य ज़्यादा होता है या अंकित मूल्य अंकित मूल्य ज़्यादा होता है और उसका मौद्रिक मूल्य कम होता है। अंकित मूल्य ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि 2,000 रुपये का नोट लिखा हुआ उसके ऊपर 2,000 रुपये है, लेकिन उसके कागज का मौद्रिक मूल्य कितना है, मात्र 50 पैसे, 1 रुपया। इसलिए ऐसी मुद्रा जिसमें अंकित मूल्य ज़्यादा हो उसके मौद्रिक मूल्य से, तो उसे साख मुद्रा या क्रेडिट मनी कहते हैं। वर्तमान में समस्त देशों में साख मुद्रा ही प्रचलित है।